नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले में रविवार को सामने आए कोरोना के आंकड़ों ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। लगातार शतकों में खेल रहे कोरोना वायरस रविवार को पांचवें शतक से भी पार पहुंच गया है। आरआरटी टीम प्रभारी घनश्याम चावला ने बताया कि 2035 सैंपल की जांच में रविवार को भीलवाड़ा जिले में 550 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं, जिनमें बनेड़ा से 11, बापूनगर से 15, चपरासी कॉलोनी से 3, चंद्रशेखर आजाद नगर से 11, गुलाबपुरा से 29, हमीरगढ़ से 2, जाजपुर से 30, काशीपुरी से 31, कोटड़ी से 45, मांडल से 49, मानलगढ़ से 44, पुर से 7, रायपुर से 3, सांगनेरी गेट से 40, सहाड़ा से 36, सांगनेर से 9, शाहपुरा से 26, शास्त्री नगर से 65, सुभाष नगर से 87, सुवाणा से 5 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। भीलवाड़ा में 8 दिन पहले फायरिंग कर 2 जवानों की जांच ले भागे तस्करों के सरगना सुनील डूडी को आखिरकार धर दबोचा। चोरपुर में यह ऑपरेशन 17 घंटे चला। एसओजी और पुलिस के 4 टीमों में शामिल 30 चाबाजों ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान गांव में भगदड़ मची रही। इस दौरान टीम को बदमाश की फायरिंग का सामना भी करना पड़ा। बदमाश से हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिए गए। भीलवाड़ा जिले में 8 दिन पहले तस्करों द्वारा फायरिंग कर 2 सिपाहियों की मौत के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिनमें पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के कोटड़ी थाने और रायला थाने के 2 जवानों की जान लेने वाली तस्कर गैंग में शामिल मुख्य आरोपी सुनील डूडी आखिरकार एसओजी के हत्थे चढ़ गया। एसओजी और तस्कर के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के हाथ में भी चोट आई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा सुपरविजन ऑपरेशन में सफलता हासिल हुई, जिसमें मुख्य आरोपी को जिंदा पकड़ लिया गया। वहीं मुख्य आरोपी डूडी को भीलवाड़ा भी लाया जा रहा है। गौरतलब है कि पुलिस की सूचना मिली थी कि आरोपी जोधपुर जिले के खारा गांव में है, जो भीलवाड़ा और जोधपुर की सीमा पर स्थित है। पुलिस की टीम के मौके पर पहुंचते ही तस्कर को भनक लग गई, जिसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी 14 राउंड फायर किए गए। इस बीच आरोपी को दबोच लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनील डूडी को रात 3 बजे गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा का कहना है कि मादक पदार्थ तस्करों द्वारा तस्करी के दौरान फायरिंग कर 2 पुलिस जवानों की हत्या की घटना जैसे अपराध को गंभीरता की दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी राजस्थान जयपुर, महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज एवं पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए जिला भीलवाड़ा में कैंप कर अपने निकटतम सुपरविजन में पुलिस टीमों का गठन कर दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। घटना में संदिग्ध तस्कर के जिला जोधपुर के निवासी होने से अतिरिक्त निदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी द्वारा जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर रेंज व जिला भीलवाड़ा के अधिकारियों की मीटिंग कर विभिन्न पुलिस टीमों का गठन कर घटना में संतिप्त बदमाशों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु जिलेवार अपराधियों को चिन्हित कर धरपकड़ हुए टारगेट निर्धारित किए गए। मामला अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के दौरान पुलिस जवानों पर अज्ञात बदमाशों द्वारा फायर कर हत्या करने का था, इसलिए घटना का अतिशीघ्र खुलासा करना एवं अपराधियों की गिरफ्तारी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। वहीं जिसमें साइबर सेल द्वारा घटना स्थलों के टावर डंप संकलित करना, तस्करों द्वारा काम में लिए गए मार्गों पर उपलब्ध सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन एवं फुटेज का संकलन, मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेलों का विश्लेषण, मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त अपराधियों एवं उनके सहयोगियों का चिन्हीकरण एवं फील्ड स्तर पर शीघ्र तशीघ्र सूचना संकलन करना इत्यादि कार्य निर्धारित किए गए। घटना स्थल के वे आने जाने वाले रास्तों यथा ग्राम कदवासा, मध्य प्रदेश, बेगू, बिगोद, नंदराय, कोटड़ी, रायला, मानलगढ़, लाडपुरा, शंभूगढ़, बदनोर, भीम ब्यावर से सीसीटीवी फुटेज लिए जाकर उनका गंभीरता पूर्वक विश्लेषण किया गया और घटना स्थल व आसपास की मोबाइल टावर से मोबाइल डाटा प्राप्त किए जाकर गंभीरता पूर्वक विश्लेषण किया। इसके साथ ही 80,000 से अधिक मोबाइल नंबरों एवं 40,000 मोबाइल उपकरण का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया तथा 750 से अधिक सीसीटीवी कैमरे का डेटा प्राप्त कर तुलनात्मक गंभीरता पूर्वक विश्लेषण किया गया। एम टीम के सदस्यों द्वारा जिला भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, मध्य प्रदेश के 200 से अधिक संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। उपरोक्त कार्रवाई के आधार पर इस प्रकरण में सुनील डूडी भीलवाड़ा जिला जोधपुर के गैंग द्वारा उक्त घटना कारित करना सामने आया। आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा के सुपरविजन में ऑपरेशन चलाया गया। उसके मकान पर दबिश दी गई। पुलिस को आता देख पर एक व्यक्ति का एक जगह विशेष पर जाना नजर आया, जिसे टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी से देखा तो एक व्यक्ति हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा नजर आया, जो घटना का मुख्य सरगना सुनील डूडी था। पुलिस को देखते ही उसके द्वारा पुलिस चापते पर फायर किया गया, किंतु मौके पर उपस्थित टीम के सदस्यों द्वारा संयम, सूझबूझ व साहस से काम लेते हुए मुख्य सरगना सुनील डूडी को पिस्तौल के साथ जिंदा गिरफ्तार करने में सफलता पाई।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी भीलवाड़ा में असर देखने को मिला, जहां शहर के व्यस्तम बाजार भी सुनसान रहे। इस दौरान आमजन को आवश्यक कार्य के अलावा आवाजाही पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है। इसके साथ ही 300 से अधिक का पुलिस जाब्ता भी शहर के मुख्य चौराहों पर लगाया गया है, जिससे कि असामाजिक तत्वों के घूमने पर रोक लगाई जा सके। वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन रविवार को शहर के प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद रहे। हर चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने सख्ती बरती। शहर में सूचना केंद्र चौराहा, गोलप्यार चौराहा, स्टेशन चौराहा, नगर परिषद चौराहा, कॉलेज चौराहा, बल्ला चौराहा सहित अन्य सभी चौराहों पर पुलिस तैनात रही। आपातकालीन स्थिति में ही लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। पुलिस उपाधीक्षक शहर भंवर रणधीर सिंह ने कहा कि शहर में बढ़ते संक्रमण को लेकर 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, जिसको लेकर हमने शहर में कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है, जिससे कि आमजन की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही जो बिना काम के घूम रहे हैं उनके वाहन भी जब्त कर उनके चालान बनाए जा रहे हैं। पॉजिटिव भी काफ़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। इसको देखते हुए 2 दिन का जो लॉकडाउन है इसके अंदर तकरीबन सिटी के अंदर 300 होमगार्ड और पोस्टर लगाए गए और बिना किसी उचित कारण के घूम रहे हैं। उनकी गाड़ियों को हम एक जब्त कर रहे हैं और बाकी कोई हॉस्पिटल जा रहा है आवश्यक सेवाओं के लिए जा रहे हैं उनको रोक के पूछताछ की। भीषण गर्मी और कोविड वीकेंड लॉकडाउन के बीच रविवार की शाम चित्तौड़गढ़ स्थित बिस्तर फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार अब्दुल गफ्फार के सुलेमान कोडिंग के नाम से टालडा मिल चित्तौड़गढ़ पर गद्दा व बिस्तर की फैक्ट्री है। रविवार की शाम अज्ञात कारणों के चलते यह फैक्ट्री अचानक भभक उठी। वीकेंड लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फैक्ट्री में उड़ता धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस हरकत में आई और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। आग से फैक्ट्री में बिस्तर के साथ ही दीवारों व अन्य सामान को भी नुकसान हुआ है। फिलहाल दमकल कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतापनगर थाना अधिकारी भजन लाल मय जाब्ते के साथ पहुंचे और वहां खड़े लोगों को मास्क पहनने की चेतावनी देते हुए अपने घर जाने की अपील की। इस दौरान सूचना मिलने पर एसटीएम ओम प्रभा भी मौके पर पहुंची। आग लग जाती है तो यार हर बार नुकसान हो जाता है यार। वास्तव
बिजोलिया कस्बे के सदर बाजार में रविवार सांय उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी और सीओ ज्ञानेंद्र सिंह ने ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को घरों में रहकर कर्फ्यू के दौरान सरकारी गाइडलाइन की पालना करने की हिदायत दी। तहसील क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या में रोज इजाफा होने से प्रशासनिक अमले ने लोगों को महामारी संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी, मास्क एवं सैनिटाइज का उपयोग करने की बात भी कही। एसडीएम चौधरी ने बताया कि पिछली बार से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं सीओ सिंह ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही करने का जिक्र भी किया। प्रशासनिक अमले ने निरीक्षण कर कस्बे में कर्फ्यू एवं गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की। गौरतलब है कि उपखंड बिजोलिया में रविवार 55 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। क्षेत्र में कुल 111 मरीज एक्टिव हैं, जिनका उपचार चल रहा है। तहसील क्षेत्र में महामारी का प्रसार तेजी से होने लगा है। इस दौरान तहसीलदार शैतान सिंह, थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह आदि मौजूद रहे। बिजोलिया से ललित चावला की रिपोर्ट। बिजोलिया के सभी आम नागरिकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका उपखंड मजिस्ट्रेट बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको घर में बैठना, कर्फ्यू में बैठना अच्छा लगता होगा, लेकिन अब हम क्या ही करें, क्योंकि प्रशासन पुलिस की ये पूरी मजबूरी है। क्योंकि हमने ये इसलिए करा है कि कोरोना के जो केसेस हैं अब वो फिर से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपने पिछले साल देखा होगा, हमें एक बहुत ही कठोर कदम अपनाना पड़ा था और उसके मुताबिक अगर हम अब देखें तो अब और भी ज्यादा केसेस उससे ज्यादा है। सभी कस्बे वासियों से निवेदन है कि जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, जो भी आदेश दिए जा रहे हैं, ये सारे आदेश आपके हित के लिए दिए जा रहे हैं ताकि आपका जीवन बचा रहे। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा नगर पालिका में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक महिला पार्षद ने नवाचार किया है। शाहपुरा नगर पालिका द्वारा प्रत्येक वार्ड में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाना प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में जब रविवार को वार्ड 15 गांधीपुरी में पालिका के सफाई कर्मी सैनिटाइजेशन करने गाड़ी लेकर पहुंचे तो यहां स्थानीय पार्षद अपेक्षा भरत सनाडे ने नवाचार करते हुए कोरोना ग्रसित परिवार के घर के बाहर पहुंचकर स्वयं अपने हाथों से पूरे घर को सैनिटाइज किया। वे कोरोना जागरूकता का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री के 2 गज दूरी मास्क है जरूरी के मंत्र को याद भी दिलवाया। पार्षद ने सभी वार्ड वासियों से अपील भी की कि वे सावधानी रखें, हाथों को अच्छे से बार बार धोएं और जितना हो सके उतना घर में ही रहें तथा राज्य व केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना करें। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर पालिका शाहपुरा ने प्रत्येक वार्ड में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाना प्रारंभ किया है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 15 में मैंने कोरोना ग्रसित परिवार के घर जाकर उनके घर को पूरा सैनिटाइज किया तथा कोरोना जागरूकता का संदेश भी दिया। सभी वार्डवासियों से अपील है कि वे सावधान रहें और हाथों को अच्छे से बार बार धोएं और जितना हो सके उतना घर में रहें। 2 गज दूरी मास्क के जरूरी की पालना नहीं करने का नतीजा अब तहसील के दूरदराज गांवों को भी भुगतना पड़ रहा है। बिजोलिया कस्बा हॉटस्पॉट बनने की कगार पर है। यहां रोगियों की संख्या बता रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। महामारी का प्रसार अब छोटे गांवों में भी होने लगा है। तहसील की छोटी बिजोलिया, सदाराम जी का खेड़ा, गोर्धनपुरा, गणेशपुरा सहित माजीसा का खेड़ा, हरजीपुरा जैसे रिमोट गांवों में भी अब रोगी निकलने लगे हैं। प्रशासन अपनी तरफ से इसके प्रसार को रोकने के भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन जागरूकता के अभाव में कुछ लोग इस वैश्विक महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वहीं वीकेंड, शनिवार, रविवार लॉकडाउन पर लोग घरों में दुबके रहे। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर कस्बे की सभी दुकानें बंद रही। पुलिस की गश्त व्यवस्था माकूल रही। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC फर्निश्ड रूम एंड वन हॉल, 20,000 स्क्वायर फीट गार्डन, वेल पार्किंग फैसिलिटी, नियर बाय सिटी, एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैरिज, कंप्लीट इवेंट, रूम फैसिलिटी, इकोनॉमिक चार्जेस। फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स,
चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। वेलकम टू मालू हॉस्पिटल, भीलवाड़ा बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल। मेडिकल स्टोर विद 24/7 अवेलेबिलिटी, हाईटेक एक्सरे इक्विपमेंट्स, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आईसीयू विद हाई फैसिलिटी, कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, हाईली क्लासिफाइड सर्जन्स, फैसिलिटेटेड फिजियोथेरेपी सेंटर, हाइजीनिक जनरल वार्ड, एयर कंडीशन डिलक्स एंड सुपर डिलक्स रूम। A16 फ्रंट ऑफ महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। वर्ष 2021-22 के लिए महावीर इंटरनेशनल मीरा ने नई कार्यकारिणी का गठन। पूर्व सभापति मंजू पोखरना, संरक्षक स्नेहलता धारीवाल, बलवीर चौरड़िया, मंजू खटवड़ की अध्यक्षता में नई कार्यकारिणी का गठन कर महिलाओं को सभी परिस्थितियों में अनुकूल रहते हुए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अध्यक्ष पद पर चंद्रा राका, उपाध्यक्ष मंजू बाफना, सुशीला चौधरी व वसंता डांगी, सचिव निशा सोनी, सह सचिव कला कुदाल, कोषाध्यक्ष शीला जैन, सह कोषाध्यक्ष सुमन अग्रवाल सहित 21 कार्यकारिणी सदस्यों को बोर्ड में शामिल किया गया है। अध्यक्ष चंद्रा राका ने आगामी 2 वर्षों में किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा सभी के समक्ष रखी और सभी सदस्यों को विश्वास दिलाया कि हम मीरा का नाम उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे। बोर्ड में पारस मेहता, उषा दोषी, सपना अग्रवाल, नीलू वागरानी, विमला राका, संतोष सिंघवी, विजया चौधरी, पुष्पा मेहता सहित सदस्यों को लिया गया है। कार्यक्रम में सचिव निशा सोनी ने कहा कि सभी अध्यक्ष और सभी सचिव हैं, सभी को मीरा में अच्छे से अच्छा काम जनहित के लिए करना है और सेवा करनी है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।